वेलकम फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वामी आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्वामी कंप्यूटर्स के ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया है दी हाउ टू क्रैश द विंडोज़ 10 को हम कैसे कैसे जो क्रैश कर सकते हैं या कैसे उड़ा सकते हैं या किसी के पीसी की विंडो को आप कैसे क्रैश कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, उसमें जो ट्रिक बताई हुई है काफ़ी मुश्किल ट्रिक है, आम आदमी उसको नहीं अप्लाई कर सकता। और इसलिए एक मैं बड़ी इजी सी ट्रिक लेके आया। मैंने वो फाइल्स को कुल प्रोग्राम में उसको मैंने एक फाइल में कन्वर्ट कर लिया रजिस्ट्री फाइल्स में। तो आपने क्या करना, सिंपली उसको जो रजिस्ट्री फाइल्स हैं उसको आपने सिंपली डबल क्लिक करना है, यस करना है। जैसे कि आपको बता देता हूँ, आपको एक जिप फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आपको लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है आपने। डाउनलोड करने के बाद उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसमें आपको तीन फाइल्स मिलेगी, एक तो मैनुअल है, मैनुअल में कम्प्लीटली डिटेल लिखी हुई है, आप अगर मैनुअली खुद करना चाहते हैं तो उसमें आप देख के कर सकते हैं। सेकंड, मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको अगर मैनुअली करना है तो मैनुअली बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सिंपली आपने दो फाइल्स हैं मेरी, वो फाइल पे पहली फाइल पे डबल क्लिक करना है, यस करना है और ओके कर देना है। सेकेंड फाइल को फिर डबल क्लिक करना है, यस करना है और ओके कर देना है। हम रजिस्ट्री फाइल को कैसे, मतलब आपने क्या करना है, जो जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसमें सिंपली आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है, यस कर देना है और आपको इसको दूसरी फाइल पे ही ओके करना है, यस कर देना है और ये आपका कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपने जब कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है और स्क्रोल को दो बार दबाना है, ऐसा ही ये प्रोसेस आपने एक दो बार करना है। उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली जो विंडोज़ 10 है वो क्रैश हो जाएगी और उसमें ब्लू डंप जो है आपको सामने नज़र आ जाएगा। तो इस प्रोसीजर के थ्रू आप सिंपली जो अपना क्या कहते हैं विंडोज़ 10 को, आप किसी की भी विंडोज़ 10 को आप क्रैश कर सकते हैं। और अगर आपकी विंडोज़ 10 उस समय रिस्टार्ट ना हो तो उसकी आपकी प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी में एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर जाना है, सॉरी स्टार्टअप एंड रिकवरी में जाना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट पे टिक हटा देना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपको ये करने के बाद आपका जो सिस्टम जो है 100% आपका क्रैश हो जाएगा। और ये एक प्रोसीजर था जिससे आप विंडोज 10 को क्रैश कर सकते हो। और अगर अगर आपको उसको ठीक करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सिस्टम को फिर से ठीक करना हो तो आपने सिंपली जो है मैंने जो मैनुअल दी है उसमें रजिस्ट्री की लोकेशन दी हुई है, उसमें जाके जो आपका ये क्रैश ऑन कंट्रोल है इसको आपने रिमूव कर देना है। सिंपली रिमूव करने के बाद उसके बाद आपने दूसरा फोल्डर भी रिमूव कर देना है, जो आपका दूसरा फोल्डर है वो भी आपने रिमूव कर देना है। दूसरा फोल्डर i80 के अंदर जाके बन गया होगा, उसको भी आप रिमूव कर देंगे। जैसे कि इसके अंदर ऑलरेडी रिमूव्ड है, तो इस तरीके से आप ये जो फाइल है इसको आप रिमूव करके सेटल भी वापस आपका सिस्टम जो है ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।